आज मैं हूं राहुल यादव। आप देखें, मैकेनिकल टूल पे मैं फिर से बार वीडियो कर रहा हूं। जो लकड़ी काटने वाला मशीन होता है, उस मशीन को जैसे स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट होते बंद बंद हो जाते, कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होती थी। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि क्या इसमें कमी आती है, क्या नहीं कमी आती है। तो जैसे अगर हमारा पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आता है, अगर अधूरा देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ आता है। शुरू करते हैं। तो यही हमारे पास जो मशीन आए बनने के लिए, तो इस मशीन को जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे देखता हूँ इसमें क्या कमी आता है। चलता हूँ पहले नंबर से, मैं इस पर स्विच और ऑन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ स्टार्ट होता है कि नहीं। स्टार्ट तो नहीं होता, मैं एक बार चौक ले लेता हूँ, चौक को फिर देखता हूँ। चौक पर जैसे फिर स्टार्ट हुआ, फिर मैं बंद कर देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट होकर बंद हो जाती है। अब मैं पेट्रोल देख लेता हूँ, पेट्रोल टंकी में है कि नहीं, तो पेट्रोल मैं देख लेता हूँ। पेट्रोल देखो है, पेट्रोल टंकी पूरा फुल है, टंकी तो पेट्रोल भी पूरा फुल है। तो इसमें क्या कमी आता है, फिर इसको ढक्कन को मैं टाइट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ करके तब भी नहीं स्टार्ट हुआ। तो इसका जो फिल्टर है, फिल्टर हम खोलेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत आती। तो इसको खोल लेता हूँ मैं, ये जो फिल्टर होता है, फिल्टर देखिए नया लगा है। अब फिल्टर तो देखिए भाई नया पड़ा हुआ था, तब भी जैसे बन के गई थी, फिर एक बार दिक्कत आ चुकी है। तब मैं इसको जैसे प्लग दे लेता हूँ, प्लग से भी दिक्कत आती है, ऐसे चलते चलते बंद हो जाती है। तो मैं प्लग खोल लेता हूँ। तब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आपकी भी मशीन ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप हमारा वीडियो जैसे देख कर बना सकते हैं। अगर पूरा वीडियो देखोगे तब भी समझ में आएगा, अगर कुछ अधूरा देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। इस प्लग को मैं खोल लेता हूँ, प्लग देखिए एकदम कचरा है। अब प्लग को मैं साफ करके फिर एक बार लगाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, देखेंगे देखता हूँ स्टार्ट होता है कि नहीं। तब प्लग को खूब अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। अब साफ करने के बाद तो फिर मैं इसको लगाता हूँ, देखिए साफ कर देता हूँ अच्छे तरीके से, पेट्रोल से साफ कर लेना है। इस प्लग को मैं अब टाइट करके स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ मशीन स्टार्ट होता है कि नहीं। आप भी प्लग को एक बार जरूर चेक कर लेना है आपको, लगा के फिर देखता हूँ स्टार्ट करता हूँ, तब भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो इसके आगे क्या कमी हो सकती है, पलक भी मैंने साफ किया तब भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो मैं पिस्टन देखता हूँ, चलते चलते जैसे पिस्टन से भी दिक्कत रहती है, चलते चलते जैसे बंद हो जाती है। तो मैं पिस्टन देख लेता हूँ खोल के, आप जो भी पिस्टन एक बार चेक कर लेना है, अगर पिस्टन पर हल्का फुल्का स्क्रेच आएगा तब भी नहीं स्टार्ट होगा। अब मैं सलेंसर को उसे खोल लिया हूँ, सलेंसर को निकालता हूँ। अब निकालने के बाद देखिए इसका पिस्टन हमने नया डाला था, अब फिर पिस्टन पे स्क्रेच एक बुन नहीं है, पूरा देखो फर्स्ट क्लास है। अगर पिस्टन पे हल्का फुल्का स्क्रेच आएगा तब भी स्टार्टिंग में दिक्कत करेगा। तब मैं सलेंसर को बांध देता हूँ, और स्टेटर जो बोल्ट होता है इस बोल्ट को आप जरूर चेक कर लेना। इसका तो बोल्ट हमने चेक किया है पहले से, इसका टाइट है अभी। तो मैं सिलेंसर को बांध देता हूँ, सिलेंसर में पिस्टन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका पिस्टन भी सही है, इसका फिल्टर भी सही है, इसका प्लग भी सही है, इसका कार्बोरेटर हमने नया डाल दिया था, तो इसका सब चीज़ सही है। तब भी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, तब मैं देखता हूँ एक बार पेट्रोल फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर अगर ख़राब रहेगा तो पेट्रोल फिल्टर से भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं देखाता हूँ खोल को, तो टंकी में जो लगता है छोटा सा फिल्टर, वही उसी से तेल पास होता है। तो अब मैं निकालता हूँ इसका फिल्टर, यही इसका फिल्टर है, देखिए फिल्टर की कैसे इसका फिल्टर भर चुका है एकदम फर्स्ट क्लास, देखिए। अब मैं इस फिल्टर को निकाल लेता हूँ, देखिए अब इसको फूंक मारूंगा, देखता हूँ पूरा तरीके से इसका जाम है। तो मैं दूसरा फिल्टर डाल के चेक करता हूँ ऐसे। तब फिल्टर हमने दूसरा लिया था जो नया फिल्टर है, फिल्टर को मैं डाल के चेक करता हूँ फिर स्टार्ट होता है कि नहीं मशीन।
इसको स्टार्ट करता हूँ और चोक में लेके पहले स्टार्ट करूँगा मैं। स्टार्ट होने की मौसम बना रही है भाई, तब मैं स्टार्ट तो यही फिल्टर जो छोटा सा फिल्टर है इसी फिल्टर से दिक्कत आ रही थी, चलते चलते जैसे बंद हो जाती थी, कभी चालू भी नहीं होती थी। तब मैं इसका पूरा सिस्टम देख रहा था तब भी नहीं सही हो, तो फिल्टर जो है छोटा सा इसी फिल्टर से पूरा दिक्कत थी। तो आज हम काट के दिखाता हूँ कैसे मशीन कहीं बंद होता है कि नहीं, चलते हैं काटते हैं। हमने लकड़ी काट के चले आए, तो फिर जैसा भी हमारा वीडियो कहीं अच्छा भी लगा तो कमेंट बैक बहुत जरूर बताना, क्योंकि वीडियो पर जैसे हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। आज जैसे पेड़ था उसमें जैसे सामने था उसमें हमने लोग जैसे काटने के लिए चाचा गए थे, तो मैंने मशीन को काट भी लिया और मशीन सही भी होगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।